श्री द्वारा विशेष संदेश योर पाथ टू प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन त्रुत सीकर प्यारे खोजी आप सबको शुभेच्छा है प्रजापति ब्रह्मा के पास देवता दानव मनुष्य और ऋषि गए उनका तप किया उन्हें प्रसन्न किया तो ब्रह्मा ने उनसे कहा कि आपको क्या चाहिए उन्होंने बताया हमें मार्गदर्शन चाहिए और प्रजापति ब्रह्मा ने उनको एक ही अल्फाबेट कहा एक ही शब्द वह था द द और कहा इस पर मनन करो और उसका जवाब बताओ सभी ने मनन किया और जब ब्रह्मांड ने देवताओं से पूछा कि आपने क्या अर्थ निकाला तो उन्होंने कहा कि हमने इसका ये अर्थ समझा के दमन करना है दमन करना है देवता जो हैं वे भोगी हैं वो हमेशा इंद्रियों की लालसा पूरी करने में लगे हुए हैं तो उन्होंने संदेश पकड़ा कि इंद्रियों को रोकना है और फिर देवताओं ने प्रजापति ब्रह्मा से पूछा क्या हमने सही समझा ब्रह्मा ने कहा हां आपने सही समझा फिर दानवों ने बताया हमने इसका अर्थ क्या पकड़ा जब उनसे अलग से बात की तो उनका जवाब था द यानी दया हमें दया करनी है हमने ये अर्थ समझा क्योंकि राक्षस जो है वे क्रोधी है अत्याचारी है उनको सबक मिला दया करनी है और लोभी मनुष्य ने क्या समझा मनुष्य ने अर्थ बताया कि आपने संदेश दिया है द यानी दान दान करो क्या हमने सही समझा प्रजापति ब्रह्मांड ने कहा हां तुमने सही समझा सभी को यही उत्तर दिया ऋषि जो थे उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने द का अर्थ लिया धर्म अपने धर्म में रहो क्या हमने इसको सही समझा ब्रह्मा ने कहा हाँ आपने सही समझा अभी एक ही अक्षर दिया गया सबको और सभी ने उसमें से जो पाया वह उनके काम का था इसलिए प्रजापति ने कहा हां तुमने सही समझा श्रीमद् भगवत गीता से आपने क्या समझा आपने जो ज्ञान लिया वही लिया जो आपकी गीता के लिए है द से आपका अर्थ आप क्या निकालोगे गीता को समझना आज की जरूरत आज की व्याख्या आज जो शब्दों का अर्थ बदल गया है तो हमें सही समझना है वरना लोग श्लोक जब सुनते हैं तो कोई अर्थ बन नहीं पाता अंदर जब तक उसके बारे में बातचीत नहीं की गई है कि शरीर के ऊपर इंद्रियां हैं इंद्रियों के ऊपर मन है मन के ऊपर बुद्धि है बुद्धि के ऊपर सेल्फ और फिर रिवर्स में आना है तो इसका प्रैक्टिकली कैसे यूज करना है अर्जुन का सवाल है हाउ टू कंट्रोल माइंड हाउ टू कंट्रोल माइंड क्योंकि माइंड तो विंड है माइंड तो विंड है यानी एम को उल्टा कर दिया माइंड के एम को उल्टा कर दिया तो विंड हवा को कैसे कंट्रोल करोगे ये तो बहुत कठिन है छठे अध्याय के श्लोक में वे बताते हैं क्या बताते हैं पहली पॉइंट इसमें अपने संकल्प से निर्मित कामनाओं का त्याग करो अपने संकल्प से निर्मित कामनाओं का त्याग करो पहले तो हमारे दिमाग में उसका अर्थ बनेगा नहीं दूसरा अपने मन के द्वारा पंच इंद्रियों पर रोक लगाओ और कह रहे हैं कि यदि मन चंचल है तो उसको विषय से हटाओ विषय से हटाओ चार आठ अठारह विषय से हटाओ और बार बार उसको परमात्मा से कनेक्ट करो बार बार परमात्मा से कनेक्ट करो पर आत्मा बार बार उस तरफ जाओ और फिर क्रम क्रम से निरंतर अभ्यास जारी रखो ये सब बातें बता दी पर इंसान क्या समझे जिसमें पहली बात संकल्प से निर्मित अपनी कामनाओं को त्याग करो कामनाएं तो बहुत सारी है ना कौन सी कामनाएं हैं जो संकल्प से निर्मित होती हैं व्यक्ति संकल्प करता है और तेजिस्तान से संकल्प उठता है इन दोनों में कितना बड़ा फर्क है लोग फर्क समझ ही नहीं पाते कि ये व्यक्ति है जो डर की वजह से लोभ की वजह से ये व्यक्ति है वासना की वजह से ये व्यक्ति है लोगों पर प्रभुत्व दिखाने के लिए दादा समझे इस वजह से ये कामना है तो उन कामनाओं का त्याग कर दो अल्टीमेटली इंसान कामना क्यों करता है वो सुख चाहता है मगर क्या सुख मिलता है उस कामनाओं से दुख ही आता है और नई कामनाएं जगती हैं, और फिर उसमें लग जाता है तो व्यक्ति संकल्प करता है और उस संकल्प से आई हुई कामनाएं फल देती हैं, और उस फल के साथ कई मक्खियां, फल लगा हुआ है ना तो चारों तरफ मक्खियां मंडरा रही है वो सब भी आ जाती है आप घर लेकर आए फल अभी आपके रूम में वो मक्खियां भुगतो फल में आसक्ति क्या करने वाली है लोग क्या करते हैं फल चाहिए उसके साथ जो मक्खियां आ गई ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है ये किसी और की कारस्तानी है मैंने तो ऐसे नहीं चाहा था मेरा संकल्प तो ये नहीं कह रहा था तू व्यक्ति के द्वारा निर्मित संकल्प कैसे बाधा बन जाता है ज्ञानी युद्ध अस्थिर युधिष्ठर के संकल्पों ने क्या किया उसने कहा मां ने जो कहा मुझे मानना है और मां कह रही है पांचों भाई बाट दो जो मिला है व्यक्ति के द्वारा बने संकल्प इंसान को दुख में डालते हैं और तेजिस्तान से आया हुआ संकल्प हुकुम जो तेजिस्तान से आया उसमें जब आप कर्म करते हो तो वो यज्ञ बन जाता है वो यज्ञ है यज्ञ सुख देगा ये यज्ञ सुख दुख के पार ले जाएगा ये यज्ञ पुण्य कर्मों के पार ले जाएगा उनसे भी पार हो जाओगे पाप कर्मों से तो मुक्त हो ही गए पुण्य कर्मों का भी उल्लंघन हो जाएगा ऐसी ताकत मिल सकती है मन क्यों कंट्रोल में नहीं है क्योंकि मन ने बुद्धि को अपने नीचे डाल दिया है क्रम सही रखो मन अभी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि संकल्प क्या है कामना के पीछे व्यक्ति का मैं शरीर हूं तो जो भी संकल्प निकलेंगे वो क्या करेंगे वे दुख निर्माण करने वाले हैं तो आज तो समय को ध्यान में रखते हुए इशारा किया जा रहा है डेप्थ में जाना मंथन कर करके बार 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 सुनकर कि व्यक्ति संकल्प करेगा और तेजस्तान से संकल्प उठेगा दोनों में क्या फर्क है और बाहर से लगेगा ये सफलता मिल गई वो सफलता मिल गई मगर वो सफलता कहां पहुंचाती है क्या संतुष्टि देती है या एक और कामना के चक्कर में लग गए तो पहली पॉइंट पर ही ये क्लियर किया कि इनका त्याग करो देखो ये सब आपको समझ में आ गया तो ये त्याग होने लगेगा सुंदरता से चल ही रहा है सब मगर कहा इंसान बैठ पाता है मन चंचल है ना कहा अगर तुम्हारा मन जो है ना चंचल है तो उस विषय से उसका ध्यान हटाओ उस विषय से ध्यान हटाओ यानी डी फोकस करने की साधना कितने चिंतन चलते हैं इंसान के अंदर उसको फोकस कहां करवाया जा रहा है कहां से डी फोकस करवाया जा रहा है जब ये होने लगेगा तो बार बार कनेक्ट होंगे ज्यादा समय कनेक्ट होंगे ईश्वर से ज्यादा समय रहेंगे साथ तो आत्म संयम के लिए क्योंकि ये साधना है बार बार मन जाएगा व्यक्ति के संकल्पों में बार बार उसको आप लाओगे तेजिस्थान क्या कहता है हुक्म क्या है पूछता ही नहीं ना इंसान सवाल खाना खाते वक्त अभी चार चपाती और बची है थाली में चारों ही खाऊं सवाल पूछ कर देखे तो भी जवाब आएगा मेरे बोलेगा वो जिम इंस्ट्रक्टर ने कहा है अभी चारों नहीं होंगे अंदर <laughs> व्यक्ति जो है उसका संकल्प अलग है तेजिस्तान से जो संकल्प है वो अलग है देखो संकल्प एक ऊंची चीज है बहुत ऊंची चीज है जागृति में लिया जाता है संकल्प मगर इंसान के बेहोशी में संकल्प चलते हैं इंसान डिसेंट शब्द है गुलाम क्या करेगा इंसान बेचारा आखिर हम ह्यूमन बीइंग हैं कर भी क्या सकते हैं आए हैं दुनिया में तो जीना ही पड़ेगा गए हैं पार्टी में तो पीना ही पड़ेगा हम भी क्या करें ना लोग इतना फोर्स करते <laughs> तो इन संकल्पों का त्याग कर दो जो कामनाएं है, जगाते हैं और वे कामनाएं दुख का कारण बन जाती है और बार बार ये कनेक्ट करना होगा और फिर क्रम दर क्रम रियाज क्रम दर क्रम रियाज आज भी बड़े बड़े गायक रियाज करते हैं क्या पढ़िए उनको वो रियाज का पर्पज है एक तो वे आदर्श बनते हैं दूसरों के लिए कि थोड़ी सफलता मिल गई लोग बोले अभी हमको जरूरत नहीं है अभ्यास की कि देखो ये एक्सपर्ट्स भी कर रहे हैं कृष्ण बताते हैं अर्जुन को कि जो लीडर्स हैं वे कैसे जीते हैं कई कर्मों से वो मुक्त हो चुके हैं मगर फिर भी उनको दूसरों के लिए करने होते हैं दूसरों के लिए वे आदर्श हैं सही उदाहरण रहें तो यहां तो अभी अर्जुन का मन कंट्रोल में नहीं है विंड है माइंड नहीं है विंड है और उसको ये युक्ति बताते हैं अगर ये करते रहे तो कर्म फौजी तैयार हो जाएगा योद्धा योद्धा तैयार होगा युद्ध तो पहले भी किए अर्जुन ने पहली बार युद्ध कर रहा है क्या मगर ये पहली बार हुआ है कि उसको रिश्तेदार दिख रहे हैं और वो खुद को उधर नहीं देख पा रहा सबसे बड़ा दुश्मन जो है उसको नहीं देख पा रहा तो छठे अध्याय में आपको सत चित मन युक्ति मिलती है सत चित मन एस सी एम एस सी एम व्यक्ति के एंगल से एस सी एम का अर्थ है सबकॉन्शियस माइंड और सेल्फ के एंगल से चित मन ये सचित मन निर्माण होगा तो कामनाएं पूरी करने के बाद भी दुख नहीं होगा समंदर में नालियां जुड़ जाती हैं नाले जुड़ जाते हैं नदियां जुड़ जाती हैं खराब पानी जुड़ जाता है विचलित नहीं होता मन में चंचलता कब है जब वो फोर्सफुली लाना चाहता ये मेरी बात माने उसको दो बार बोला है अभी वापस नहीं बोलूंगा ये बदल जाएगा उसके सिर पर ही बैठेंगे और वो सामने वाला वैसा करता नहीं है कितना गुस्सा आता है कितना गुस्सा आता है अंदर ही अंदर अरे कर 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 तो ठीक है कोई अंदर विचलता नहीं है असमंजस देखो तो ये जिक्र देखने से समझ में आता है वरना लगता है, मैं करूंगा तो ही होने वाला है मैं ऐसा करूंगा ना तो ही काम होने वाले वरना नहीं होने वाले मगर ये कैसा तरीका है जिसमें डिसिप्लिन भी आ रहा है बॉडी पर मगर उस डिसिप्लिन से चंचलता दुख नहीं ला पा रही है अपने आप चीजों को होते हुए देख भी रहे हो ये आप सीख रहे हैं चित, मन के साथ एक लड़का है अपने दादाजी को कहता है कि मैं पिकनिक पर जा रहा हूँ मुझे ड्रेसेस चाहिए कुछ और मेरा बर्थडे है तो मुझे पैसे दो ताकि ये मॉल से फला फला मॉल बड़ा मॉल है वहाँ से मैं ड्रेसेस लेकर आऊँगा मेरी बर्थडे पर ये दो और दादाजी ने क्या दिया उसको श्रीमद् भगवत गीता पैक करके दिए वो बहुत खुश था अंदर कैश ऐश है सात दिन पिकनिक पर मजा आएगा व्यक्ति का संकल्प है और वो खोलकर देखता है और अंदर क्या भगवत गीता बड़ा गुस्सा आता है दादाजी से मैं बात ही नहीं करूंगा और पिकनिक पर चला गया बिना मिले जिनसे नाराज होते ना बात ही नहीं करते उसको भी लगने दो चला गया और सात दिन के बाद जब लौटा इस बीच में दादाजी का देहांत हो गया जब वो लौटा और पता चला दादाजी गुजर गए तो उनको झटका लगा मैंने खा मखा जाते वक्त गुड बाय नहीं कहा और फिर उस दुख में उसने वो भगवत गीता उठाई जो दादाजी ने दी थी खोलकर देखी तो अंदर गिफ्ट वाउचर थे उस दुकान की। जा के जाके ड्रेसेस लेकर आओ <laughs> गिफ्ट वाउचर यानी पैसे दे दिए थे कल्पना क्या थी मिला भी है तो भी इंसान दुखी है अज्ञान जो करवाए कम है इसलिए अज्ञान के लिए युक्ति सातवें अध्याय में दी गई है सातवें अध्याय में क्योंकि अज्ञान इतना दुख दे देता है जो हमें मिला ही नहीं है संशय को काट डाल श्री कृष्ण क्या कहते अविश्वास को काट दो छेदन कर दो उसका और इसको काट क्यों लेना है क्योंकि इंसान के पास जो ज्ञान है वो कैसा है आधा है और आधे का भी आधा उसमें गलत है पहले आधा है और उस आधे में से भी जो आधा है वो गलत है गलत फहमी उन लड़के को क्या गलत फहमी थी दादाजी ने उसको ज्ञान की बातें करनी है और मुझे गीता थमा दी मुझे क्या चाहिए था और क्या मिला फिर बाद में तो भगवत गीता पढ़ता रहा विषाद योग बना <laughs> दुख जो है योग में परिवर्तित हो गया बुद्ध को तेज निराशा हुई योग निराशा योग तो निराशा को भी योग बनाओ उसको भी यज्ञ बनाओ उस लड़के ने बनाया तो ज्ञान अधूरा और आधा गलत सही होने लग गया तो आप समझ रहे हो कि ज्ञान का महत्व तो क्या है बिना जाने हम कुछ मान लेते हैं बिना जाने हम इल्जाम लगा लेते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट देते नहीं हैं खुद परेशान होते हैं दूसरों को परेशान करते हैं ये सब अज्ञान के लक्षण हैं कम से कम धीरज रख कर रुको तो सही धीरज योग अप्लाय तो करो रुकेंगे तो रहस्य खुलने लग जाएंगे रुकना सीखना है बीज डाला है ना जमीन में खेत में वहाँ रुकना जरूरी है वरना कौओं को देखकर चले गए तो इंसान से ये गलतियां होती है उसको ज्ञान मिलना चाहिए क्योंकि श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि मुझे ज्ञानी भक्त प्रिय है मुझे ज्ञानी भक्त प्रिय है जीरो प्रतिशत अज्ञान इज इक्वल टू मोक्ष हंड्रेड प्रतिशत ज्ञान इज इक्वल टू मोक्ष ये कौन सा ज्ञान है ये जो बाहरी जानकारियों वाला ज्ञान नहीं कह रहे लोग जो बाहरी जानकारी को ज्ञान समझते हैं ये ज्ञान शब्द आध्यात्मिक शब्द था आज जो ज्ञान का इंफॉर्मेशन को हम ज्ञान कहते जानकारी आज क्रिसमस है ये जानकारी है ये ज्ञान नहीं है ये जानकारी है बाहर के जगत में ये जानकारी चाहिए अंदर की जगत में ज्ञान चाहिए और श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञानी भक्त मुझे प्रिय है तू ज्ञानी भक्त बन बीच बीच में श्री कृष्ण उनको बार बार बोलते रहेंगे जलगार करवानी है ना बार बार बोलते रहेंगे तू ज्ञानी भक्त बन और युद्ध के लिए खड़े हो जा तो ज्ञानी भक्त क्या करने वाला है ज्ञानी भक्त उसे ज्ञान है अद्भुत ज्ञान अभी शब्द सर श्री आज के बताएंगे गीता में ऐसे शब्द नहीं मिलेंगे मगर आप बात वही समझ रहे हैं अद्भुत ज्ञान अद्भुत ज्ञान में सबसे पहले आता फैन का फैन फैन का फैन फैन का फैन, फैन, का फैन, का फैन, का फैन कौन अब ऐसे समझो कि दो पंखे हैं एक दूसरे के सामने रखे हुए हैं अभी कौन किसको हवा दे रहा है <laughs> फैन का फैन कौन किसको हवा दे रहा है श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? जो ज्ञानी भक्त है ना वो मेरा डुप्लीकेट है <laughs> वो मेरा डुप्लीकेट है <laughs> वो मुझे प्रिय है श्री कृष्ण फैन है उसके श्री कृष्ण उसके फैन है अरे कौन किसका फैन है <laughs> भक्त के लिए भगवान भगवान के लिए भक्त ऐसी स्थिति है फैन के आगे फैन ये लीला है <laughs> कौन भगवान कौन भक्त समझ में नहीं आएगा कौन भगवान है कौन भक्त है सुदामा के पैर दो रहे हैं श्री कृष्ण कौन भक्त कौन भगवान तो ये अद्भुत ज्ञान फैन का फैन डुप्लीकेट है ज्ञानी जो है यानी ज्ञान का महत्व तो समझ में आएगा सही बात समझना कितना इंपॉर्टेंट है मिसिंग लिंक के साथ समझना मास्टर की को समझ रहे मास्टर की जो अज्ञान के ताले को खोल देती है तो उस अद्भुत ज्ञान में पहले फैन का फैन और फैन के फैन के साथ श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं भूतकाल के भूतों को जानता हूं वर्तमान के भूतों को जानता हूं भविष्य के भूतों को जानता हूं मगर वे मुझे नहीं जानते मगर वे मुझे नहीं जानते अभी भूतकाल के भूत उस वक्त भूत शब्द का अर्थ क्या था श्री कृष्ण जो भूत कह रहे हैं यानी बींग्स लिविंग बींग्स ये सारे शरीर जो दिख रहे हैं युद्ध में भूतकाल के भूत भविष्य काल के भूत और वर्तमान काल के भूत मैं सभी को जानता हूं ये मुझे नहीं जानते और इनमें से कई ऐसे हैं जो कभी मुझे जान ही नहीं पाएंगे जो मुझे कभी जान ही नहीं पाएंगे श्रद्धा रहित श्रद्धा लेस कौन श्रद्धा सहित है किसमें श्रद्धा है क्योंकि बिना श्रद्धा के ये बात समझी नहीं जा सकती क्योंकि लॉजिक बीच में आएगा लॉजिक बीच में आएगा श्री कृष्ण कहेंगे सूरज को मैंने यह ज्ञान दिया तो लॉजिक आएगा क्योंकि वो बॉडी को ही देखेंगे क्योंकि लोग रूप में अटकते बाहर के शरीर में उसे कृष्ण समझते तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भूतों के भूतों को मैं जानता हूँ पुराने नए मरवे वे मुझे नहीं जानते और श्रद्धा के साथ ही जाना जा सकता है यानी श्रद्धा पहले जगनी चाहिए किसी के अंदर भक्त बनना है यानी वो तैयारी कर रहा है सदगति की तो उसके लिए ये चीजें अनिवार्य हैं तो उसमें श्रद्धा आना जरूरी है और पहले श्रद्धा जगाने का आयोजन होना चाहिए बजाय उन लोगों को गलत कहते बैठे उसका आयोजन होना चाहिए तभी ये बात वे समझ पाएंगे श्री कृष्ण कह रहे आय सा यू सी दे कैन नॉट सी आय सा यू सी दे कैन नॉट सी आप बोलोगे दुर्योधन को कृष्ण को देखो <laughs> वो तो युद्ध के लिए लेकर भी नहीं आया अपने साथ शाम चाहिए या शाम से ना। तो दुर्योधन ने क्या कहा? शाम से ना और अर्जुन ने कहा शाम की सुबह यानी ज्ञान शाम की सुबह यानी ज्ञान उसका ही टॉस था उसकी ही प्रार्थनाओं का फल था उसके ही कर्मों का फल उसकी प्रार्थनाओं का बल अब उसको ज्ञान मिल भी रहा है और क्या मिल रहा है कि तुम भी देखो तुम भी देखो ये सब जो हैं इन्हें मैं जानता हूं और फिर उनको 21, 22, 23 श्लोक में देवताओं के बारे में बताते हैं भूतों के बारे में तो बताया देवता रिवील्ड देवताओं का रहस्य खोलते हैं ज्ञान अद्भुत ज्ञान कि लोग अलग अलग देवताओं को मानते हैं तो मैं उन देवताओं में उनकी श्रद्धा स्थापित करता हूं श्री कृष्ण अपने बारे में बता रहे हैं जो जिस देवता को मानता है उसके अंदर मैं उसकी श्रद्धा स्थापित करता हूं और फिर उन देवताओं के द्वारा मैं उन्हें उनके उपभोग जो वो कामना रख रहे हैं ना वो चीजें उन तक पहुंचाता हूं वाया देवता वाया देवता लोगों के एल्यूशन क्या होता है? देवता ने दिया इंद्र ने दिया इंद्र ने बारिश दे दी वाया देवता मगर श्री कृष्ण उसमें ऐतराज नहीं कर रहे कि ये क्यों इन देवताओं को मानते रहते ठीक है इनमें इनकी श्रद्धा रहे और इनके द्वारा ही मैं देता हूं उनको और जो जिस देवता में श्रद्धा रखता है वो उसी की तरह बन जाएगा जिस पर फोकस करोगे वैसे बन जाओगे मगर देवता भी देवता भी जो है उनकी सदगति नहीं हुई है उनकी सदगति नहीं हुई है मगर वो देवताओं का रहस्य बता रहे हैं, इनके द्वारा ही मैं दे रहा हूं उसमें श्रद्धा जगा रहा हूं और वे उसी की तरह बनेंगे मगर मेरे भक्त मेरे जैसे बनते हैं मेरे भक्त जो है मेरे जैसे बनते हैं तो कोई देवताओं को मानता तो माने तो देवताओं का देवता कौन इसमें समझ में आएगा देवताओं का देवता फैन का फैन तो ये लुप्त ज्ञान रिवाइव हो मिसिंग लिंक के साथ रिवाइव हो सारी बातें द शब्द के साथ अपने धर्म में स्व स्वभाव में स्थापित हो जाए और एक एक स्टेप के साथ एक एक ज्ञान आपके सामने खुला गया आपकी गीता जो आपने समझा जो आप में रूपांतरण करने वाली है तो यहाँ आकर आप सब ने जो सेवा का मौका दिया उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हैप्पी था क्या करूं क्या ना करूं के दोराहे पर खड़ा अर्जुन जब मोह में फंस चुका था तब उसे गीता का परम ज्ञान मिला फिर वह न सिर्फ इस संसार रूपी लीला में विजयी हुआ बल्कि उसने मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य भी जान लिया आज के अर्जुन आप हैं जो रोज किसी न किसी समस्या रूपी युद्ध में घिर जाते हैं भगवत गीता में वह समझ है जो आपसे सही समय पर सही राह का चुनाव करवाती है जिन्होंने गीता को पढ़ा समझा और उस पर मनन कर जीवन में उतारा वही सबसे भाग्यशाली है तेज ज्ञान के प्रकाश में संपूर्ण भगवत गीता जीवन की अठारह युक्तियाँ इस पुस्तक द्वारा भगवत गीता के अठारह अध्यायों की समझ को आत्मसात करें और गीता के परम ज्ञान को जीवन में उतार कर अपने जीवन को सफल बनाएं। आप अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में हर असुर यानी वृत्तियों को मारकर अर्जुन की तरह विजयी हो और परम ज्ञान भी प्राप्त करें इसी शुभकामना के साथ यह संपूर्ण भगवद गीता ग्रंथ आपकी सेवा में उपलब्ध है आपकी सुविधा के लिए यह पुस्तक ई बुक के रूप में प्रकाशित की गई है ताकि घर बैठे ही आप अनमोल समय का सदुपयोग करते हुए किसी भी डिवाइस पर आसानी से पढ़ सकें। इसके लिए आज ही हमारी वेबसाइट www.gethappythoughts.org को विजिट करें या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक्स पर जाकर आप इस ई बुक को खरीद सकते हैं या आप हमें 9011013210 पर संपर्क करें धन्यवाद इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताए हमारे हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं धन्यवाद